लोगों के लिए अपनी पहचान छुपाकर लव जिहाद करना, पत्थरबाजी करना आम हो गया था। लेकिन योगी सरकार के बुलडोजर से भला कोई बच पाया है क्या? बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक मुस्लिम युवक ने आस्था से मजाक करने की गुस्ताखी की, लेकिन पुलिस ने इस केस को दर्ज नहीं किया। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मुस्लिम शख्स को जय श्री राम लिखी टी शर्ट पहनना पड़ा भारी। दरअसल कानपुर में हिंदुवादी संगठन बजरंग दल के दो लोगों ने पुलिस में शिकायत की कि एक मुस्लिम शख्स ने जय श्री राम लिखी टी शर्ट पहना, अपनी पहचान छुपाई और फिर वेज कबाब बेचा। बता दें कि हिंदू संगठन ने बड़ा आरोप लगाया कि शख्स अपनी मुस्लिम पहचान छिपाकर कारोबार कर रहा था और इतना ही नहीं, और इल्जाम ये भी है कि मुस्लिम शख्स अपने स्टॉल पर वेज कबाब बेचता था और उसमें कथित तौर पर मिलावट भी करता था। पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुस्लिम शख्स को पकड़ने के बाद हिंदू संगठन काफी आक्रोशित हुए, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन पर गए। लेकिन बता दें कि मुस्लिम शख्स के खिलाफ अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि इस मामले पर पुलिस का कहना है कि वो पहले सबूत इकट्ठा करेंगे, उसके बाद मुस्लिम शख्स के खिलाफ एक्शन लेंगे। क्या है पूरा मामला? दरअसल बजरंग दल के दो कार्यकर्ता बाउना सविता नाम के स्टॉल पर स्नैक्स खरीदने के लिए गए, जहां उन्होंने जय श्री राम के नाम का टी शर्ट पहने आदमी से वेज कबाब का ऑर्डर दिया। दोनों को ही वेज कबाब के स्वाद में कुछ अटपटा लगा, जिसके बाद दोनों कार्यकर्ता ने युवक की पहचान पूछी, लेकिन युवक घबराने लगा, जिससे ये साफ हो गया कि दाल में कुछ काला है, जिसके बाद दोनों कार्यकर्ता थाने पहुंचे मामला दर्ज कराने। जब पुलिस ने शख्स से उसकी पहचान के बारे में पूछा तो शख्स ने बताया कि उसका नाम मोहम्मद कल्लू है, जिसे जानकर बजरंग दल के लोग काफी आक्रोशित हुए और फिर विरोध जताया। पुलिस ने दिया कार्यवाही का भरोसा। आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ता का विरोध देखकर पुलिस ने उनको काबू में किया, साथ ही भरोसा दिलाया कि वो पहले इस मामले में जांच करेंगे और इसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे। जहां एक तरफ योगी सरकार खान पान में मिलावट करने वालों को 10 साल की सजा देने जैसे नियम बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम युवक ऐसे कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि ये तो हम सब जानते हैं कि योगी राज में कोई भी अपराध करने वाला बच नहीं पाया। ऐसी धोखाधड़ी करने वालों के लिए और क्या सजा होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।